हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी सतरंगी सब्जी, जो कि बहुत टेस्टी होती है और आप इसे आसानी से घर पे बना सकते हैं। सतरंगी सब्जी बनाना बहुत आसान है और ये रेसिपी हो सकता है आज से पहले आपने कभी ट्राई भी नहीं करी हो, ना कभी देखी हो। और ये गोश्त के साथ बन के तैयार होती है। आप नॉर्मली बना सकते हो और गोश्त के साथ बना सकते हो। तो भाई, गोश्त के साथ इसका एक्चुअल टेस्ट आता है। इसे मटर में बना सकते हो, बड़े के गोश्त में बना सकते हो और चिकन में बना सकते हो। मैंने इसे बड़े के गोश्त में बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 600 ग्राम जो है बड़े का गोश्त ले लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिए हैं सब्जियाँ। तो यहाँ पर मैंने 7 रंग की सब्जी ले ली, जिसमें चुकंदर, फूल गोभी और मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च, बीन्स, टमाटर, हरा धनिया और मैंने यहाँ पर कद्दू भी लूँगी मैं। और यहाँ पे देखिए, 600 ग्राम बड़े का गोश्त है। बड़े के गोश्त को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और यहाँ पे पीसेस में कट कर लिए। कुछ कुछ पीसेस ज़्यादा बड़े थे तो मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। एंड इसके बाद मैंने 2 फुल साइज़ के कटे हुए आलू ले लिए हैं और थोड़ा सा कद्दू ले लिया है, छोटा सा पीस। तो मैंने छोटे थोड़ी थोड़ी सारी सब्ज़ी ले ली है ताकि सतरंगी सब्जी हमारी बन सके और बहुत टेस्टी बनती है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। अभी हमारा मेन पर्पज़ है सब्जियों को फ्राई करना, तो मैंने ऑयल में सारी सब्जियां फ्राई करनी है। तो हम सारी सब्जियां इसमें ऐड कर देंगे ऑयल में और हाई फ्लेम पर हम सारी सब्जियों को फ्राई करेंगे। तो सारी सब्जी मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर में ऐड कर दी है। मैं उनको हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करूँगी। सब्जियों को हमें इतना फ्राई करना है कि जो इसका कलर है वो गोल्डन हो जाए। तो देखिए, सब्जी यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो रही है। इतना हमें इनको फ्राई करना है कि इनके कलर जो है वो गोल्डन हो जाए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से सब्जियाँ फ्राई होने लगी हैं। अब बस मैं सब्जियों को इसमें से निकाल लूँगी, बस इतना ही इसको फ्राई करना था। इससे जो है टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है सतरंगी सब्जी का। तो सारी सब्जियों को फ्राई करके मैं इसमें से प्रेशर कुकर में से निकाल ले रही हूँ। सारी सब्जियों को मैंने निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट, 1 टेबल स्पून प्याज का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। ये टोटल मैंने 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट ऐड कर दिया है इसमें। और यहाँ पर इस पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें कच्चापन ना रहे। जितने अच्छे तरीके से मसाले वगैरह हम भूनेंगे उतना ही टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए, यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से भुन चुका है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है, बाकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, 1/4 टीस्पून। अब इन सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे ताकि इनमें कच्चापन न रहे एंड इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाए। इतने अच्छे तरीके से मसालों को जो है भून लेना है। और अब मैंने यहाँ पे ये गोश्त भी ऐड कर दिया है। गोश्त को अच्छे तरीके से भूनेंगे। अच्छे से गोश्त की भुनाई कर लेंगे और मैं यहाँ पे 2 ग्लास भर के पानी ऐड करूँगी गोश्त को गलाने के लिए। और मैंने यहाँ पे 5 से 6 लौंग, 5 से 6 काली मिर्च ऐड कर दिए। और मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर की लिड लगा दी है। एंड इसके बाद मैंने 3 से 4 तेज़ पत्ते और 4 से 5 हरी इलायची ऐड करके फिर से मैंने प्रेशर कुकर की लिड लगा दी है। और मीडियम फ्लेम पे हम 8 सीटी आने के बाद चेक करेंगे। तो देखिए, 8 सीटी में गोश्त एकदम परफेक्टली गल गया है। और हम सारी फ्राई की हुई सब्जी भी ऐड कर देंगे। सब्जी मैंने सारी यहाँ पे ऐड कर दे रही है।
अगर पानी की कमी लग रही है तो पानी भी ऐड कर सकते हैं, पर अगर आप पानी नहीं भी ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सब्ज़ी ऐड करने के बाद मैंने इसमें हाई फ्लेम पे 2 सीटी लगा ली हैं, तो सब्ज़ी एकदम सॉफ्ट हो गई है और बहुत ही अच्छे तरीके से टेस्ट आ गया है इनका। तो यहाँ पे हमारी सतरंगी सब्ज़ी बनके तैयार है। तो भाई गोश्त की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है क्योंकि इसमें 7 तरीके की सब्ज़ी होती हैं। तो आप भी इस रेसिपी घर पर बना सकती हैं चावलों के साथ, तंदूरी रोटी के साथ और बटर नान के साथ, सबके साथ ये बहुत टेस्टी लगती है। इसीलिए मैं इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करती रहती हूँ और घर में सब बहुत तारीफ़ करते हैं भाई, सबकी फेवरेट हो गई रेसिपी। तो आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी।